हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ हलवा पूरी और काले चने की सब्जी की प्रसाद की फुल रेसिपी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं सूजी का हलवा, जिसके लिए हमने सूजी ली है, 2 कटोरी सूजी ली है, देसी घी लिया है, ड्राई फ्रूट्स के लिए हमने बादाम लिया है और साथ में कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है। तो सूजी का जो हलवा बना रहे हैं हम देसी घी में बना रहे हैं। जो प्रसाद का हलवा बनता है हमेशा देसी घी में बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने इसमें देसी घी बढ़िया सा डाल दिया है और अब हमने इसमें 2 कटोरी सूजी डाली है और इसको बढ़िया सा भून लेंगे। सूजी जितनी बढ़िया रोस्ट होगी उतना ही बढ़िया हलवा रहेगा। याद रहे कि सूजी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सूजी जितनी भुनी होगी उतना बढ़िया हलवा बनेगा। तो यहाँ हम बढ़िया सा देसी घी में डाल के सूजी को अच्छे से भून रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे, अगर 2 कटोरी हलवा है तो 4 कटोरी चीनी डलेगी और उतना ही 4 कटोरी पानी डलेगा। तो अब इसमें हमारी बढ़िया सी सूजी भून चुकी है, आप देख सकते हैं सूजी का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी और साथ में इसमें गरम पानी डालेंगे 4 कटोरी का और इसको बढ़िया सा अच्छे से उबालेंगे, जिससे कि सूजी जो है पानी बहुत ज़्यादा सोखती है, क्योंकि सूजी जो हम भूनते हैं उसके बाद इसमें हम पानी डालते हैं, जो सूजी है जितना पानी डालेंगे तो उतना ही सूजी फूलती जाती है, सूजी पानी बहुत सोखती है। तो 4 कटोरी हमने पानी डाल दिया, आप देख सकते हैं कि पानी सोख गया है। अब हमारा हलवा तैयार हो गया। अब हम ड्राई फ्रूट्स के लिए इसमें बादाम डालेंगे और कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे। तो सूजी का हलवा हमारा प्रसाद वाला तैयार हो गया है, जो कि प्रसाद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए हमारा सूजी का हलवा बन के रेडी हो गया है। दोस्तों, आपको भी हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। और चैनल या पेज पे नहीं है तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल यूट्यूब डेली रूटीन फूड। तो चलिए अब हम काले चने को बनाते हैं। काले चने हमने पहले से उबाल के रख लिए कुकर में, तो इसका भी हम देसी घी में तड़का लगाएंगे। सबसे पहले डाला हमने इसमें जीरा डाला है और उसके बाद हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे। लाल मिर्च हमने यह देगी मिर्च वाली यूज़ की है और देसी घी में तड़का, क्योंकि कोई प्रसाद हो जो देसी घी होता है सबसे शुद्ध माना जाता है। तो हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, छोले हमने काले उबाल रखे हैं तो उसको अच्छे से भून लेंगे। ये बिना प्याज और लहसुन के बनता है, क्योंकि माता रानी को भोग लगाना है, माता रानी के भोग के लिए हम ये प्रसाद बना रहे हैं। तो नवरात्रि में कंचकों पर ये प्रसाद बनाया जाता है और हम कंचकों पर ये प्रसाद बना रहे हैं। तो एक बार माता रानी के नाम की जोर हाजिरी लगाएगा, कमेंट बॉक्स में जोर जय माता दी लिखिएगा। तो यहाँ पे हमारा मसाला भुन चुका है, जो कि बिना लहसुन प्याज के है, और अब हमने इसमें डाल दिए हैं काले छोले, जो कि हमने बॉईल करके रखे थे। तो बढ़िया से हमारे काले छोले बन के रेडी हो गए हैं, हलवा बन गया है, छोले बन गया। तो अब आती है बारी पूरियों की। तो पूरी का बनाने के लिए सबसे पहले हमने आटा को अच्छे से छान लिया है, क्योंकि जो पूरी का आटा होता है वो बिल्कुल हार्ड बनाते हैं। जैसे रोटी बनाने के लिए या पूरी या नाहन या कुछ भी बनाते हैं उसके लिए अलग अलग आटे की डो बनाई जाती है। तो अभी जो हम बना रहे हैं पूरी का आटा, ये बढ़िया सा हम इसे गर्म पानी में गूंथ रहे हैं, अच्छे से इसकी गूंथेंगे। और ये जो आटा है थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो हम यहाँ पे बढ़िया से अपने आटे को गूंद रहे हैं पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ हमारा बढ़िया सा आटा गूंद के रेडी हो गया। तो चलिए बढ़िया सी पूड़ी बनाते हैं। जय माता दी जोर लिखेगा दोस्तों। आज हम आपको कंचकों पे बनाए जाने वाले प्रसाद की पूरी रेसिपी दिखा रहे हैं। तो चलिए हमारा हलवा तैयार हो गया है, एक बार दिखाते हैं आपको। देसी घी का हलवा जो हमने बनाया है, इसे हमने गर्म पैन हॉट बॉक्स में रख लिया है। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सा खुशबूदार देसी घी का हलवा बन गया है। और यहाँ हमारे बढ़िया से आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बढ़िया काले छोले बने, जो कि बिना लहसुन प्याज के हमने बनाए हैं, क्योंकि माता रानी का प्रसाद बना रहे थे हम। तो चलिए अब पूड़ियाँ बनाते हैं। प्रसाद हमारा रेडी हो गया, हलवा और छोले रेडी हो गए, तो पूड़ी बनाते हैं। तो यह हमने बताया था कि पूड़ी का आटा हमने बिल्कुल हार्ड गूंदा था, आटा गूंद के रखा हुआ था। तो यह हम पूड़ियाँ वाली मशीन में बढ़िया सी पूड़ियाँ बेल के पूड़ियाँ बनाते हैं और माता रानी के प्रसाद की हमारी प्लेट रेडी हो गई है। तो चलिए अब हमारी जब पूड़ी रेडी हो रही है, पूड़ी हमेशा जब भी बनाए तो ध्यान रखिएगा, जब आप इसमें पूड़ी डालते हैं जब वो एक साइड से अच्छे से सिक जाए, ऊपर आ जाए। जब आपने देखा होगा जब कैसे पूड़ी ऊपर आ गई है, फिर इसमें छननी लगाए और देखो पूरी फुल के पूड़ियाँ बन रही हैं। तो यहाँ हमारी बढ़िया सी
खस्ता पूड़ियाँ बन गई हैं, जो कि हमने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया, सिर्फ गर्म पानी में आटा गूंदा है और आटा पूरा हार्ड रखना चाहिए इसका, अच्छी सी लोइयाँ देख के। तो यहाँ देखिए कैसे पूड़ियाँ फूल फूल के बन रही हैं, अपने आप ही ऊपर आ रहे, पूरी फूल के पूड़ियाँ बन रही हैं। तो यह हमारी बढ़िया सी खस्ता पूड़ियाँ बन चुकी हैं, छोले पूड़ी और हलवा, काले छोले और देसी घी का हलवा और साथ में पूड़ियाँ, जो माता रानी के प्रसाद बनाया जाए, माता रानी के लिए प्रसाद बनाया जाता है, कंचकों के लिए स्पेशल जी प्रसाद बनाया जाता है। तो एक बार प्लीज़ जय माता जी जरूर लिखिएगा कमेंट में। तो यह हमारी बढ़िया सी पूड़ियाँ बन के रेडी हो गया है। तो चलिए एक बढ़िया सी आपको प्लेट रेडी करके दिखाते हैं। यहाँ हमने दो पूड़ी ली हैं और इसके ऊपर हम देसी घी का हलवा डालेंगे और साथ में डालेंगे काले छोले की सब्ज़ी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है और आप हमारी वीडियो कौन सी सिटी से देखते हैं ये जरूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि हमें भी पता चले हमारी वीडियोस कहाँ कहाँ तक जाती है। कमेंट बॉक्स में जरूर जय माता जी लिखिएगा, क्योंकि माता रानी के लिए हमने ये प्रसाद बनाया जो कि बिल्कुल शुद्ध होता है, बिना लहसुन प्याज के होता है और देसी घी में बनाया जाता है। तो यह हमारी बड़ी ऐसी माता रानी के प्रसाद के लिए हलवा पूड़ी और छोले तैयार हो गए हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डेली रूटीन फूड दोस्तों। और एक बार जय माता दी सभी दोस्तों को, जयकारा शेरावाली माता जी का जय माता दी।